अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन है, वो है कि ये जो फर्स्ट वाला था वो रोमन रोड कंस्ट्रक्शन था, सेकंड वाला था ट्रेजागुएट कंस्ट्रक्शन 1764 था, ये 312 BC, और थर्ड एंड फोर्थ मेटाकैप कंस्ट्रक्शन और अंत में फोर्थ में टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, ये दोनों ही एक ही साथ चल रहा था। ठीक है, मेटाकैप कंस्ट्रक्शन एंड टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन एक ही साथ चल रहा था, और फिफ्थ में मैकाडम कंस्ट्रक्शन आया था 1815 में। ठीक है, ये याद रखना चाहिए। और एक पिक्चर आप लोगों को शो कर रहे हैं डिफरेंट रोड कंस्ट्रक्शन की, ये है रोमन रोड कंस्ट्रक्शन। आप वीडियो को पॉज करिए और डिटेल में देखिए, जो भी आपने लिखा था वही यहाँ पर पिक्चर के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये रोमन रोड्स था, ये ट्रेजागुएट कंस्ट्रक्शन था, इसके बाद ये है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, और अंत में मैकाडम कंस्ट्रक्शन। पिछले लेक्चर तक हमने देखा था कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ 320 ईयर रोड प्लान, उसके अंदर जो नागपुर रोड प्लान था और लखनऊ रोड प्लान था, दोनों का ही जो भी हमने नागपुर रोड प्लान में बेसिकली जो भी हमने कैलकुलेशन किया था वो सब कुछ माइल में था, और माइल के साथ किलोमीटर का एक रिलेशन है, वो अभी हम लिख रहे हैं। 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1/1.6 माइल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न्स। ये देखिए डिफरेंट रोड पैटर्न है। फर्स्ट जो रोड पैटर्न है वो है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, ये रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। रेडियल मतलब ये है रेडियल, और रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न, ये एक एक हेक्सागोनल है एक पैटर्न। इसमें से नागपुर रोड प्लान में रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न को एडॉप्ट किया था। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे वो है इंजीनियरिंग सर्वेज। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर पहले आते हैं वो है मैप स्टडी। ठीक है, मैप स्टडी क्या क्या किया जाते हैं, STUDY, मैप स्टडी। मैप स्टडी के अंदर ये डील किया जाता है पॉन्ड्स, लेक, वैलीज एक्सेट्रा, क्या क्या अवेलेबल है ये देखा जाएगा, और दूसरी बात क्या रहेगा, रो ऑफ हिल्स अगर रहेगा तो रो ऑफ हिल्स ये भी देखा जाएगा। किस लिए देखा जाएगा रो ऑफ हिल्स, अगर इफ रो ऑफ हिल्स इज प्रेजेंट, इफ रो ऑफ हिल्स, रो ऑफ हिल्स आर प्रेजेंट देन वी यूज डिफरेंट पाथ। अच्छा, अवॉइड अवॉइड बेंट ऑफ द रिवर, ये सब कुछ इस मैप स्टडी में आता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, रिकॉग्निशंस, रिकॉग्निशंस सर्वे के अंदर
ये जो पॉन्ड्स लेक एंड वैलीज एक्सेट्रा था जो कि मैप स्टडी में हमको नहीं दिखा नहीं दिखा, वो रिकॉग्निशन सर्विस में वो उसको टेक केयर करना पड़ चाहिए। व्हिच आर लेफ्ट एक्सेट्रा, व्हिच आर लेफ्ट इन मैप स्टडी। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। और दूसरी बात है टाइप एंड नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर। इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्या क्या है उसमें, क्या क्या अवेलेबल है वो कंसर्न जगह में, एरिया में, और मैक्सिमम फ्लड लेवल, नेचुरल ग्राउंड वाटर टेबल। टाइप ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी, ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब कुछ रिकॉग्निशंस में हमको देखना पड़ेगा। और थर्ड है प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में बेसिकली जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया था उसमें से बेस्ट अलाइनमेंट कौन सा है ये हमको चूज करना पड़ेगा प्रिलिमिनरी सर्वे में। ये ऑफिस वर्क है, ऑफिस में बैठ के ये हम करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट को कंसिडर करते हुए। सो इसमें हम लिख सकते हैं कि फाइनलाइज द बेस्ट अवेलेबल अलाइनमेंट वी हैव, फाइनलाइज फाइनलाइज बेस्ट अवेलेबल अलाइनमेंट दैट वी हैव इन द ऑफिस। ठीक है, और सर्वे के अंदर लास्ट में एक पॉइंट है जो कि 4 नंबर है, वो है फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। लोकेट द फाइनल फाइनल अलाइनमेंट, जी एंड अलाइनमेंट इनटू द ग्राउंड। बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल लाइन, ओके, बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल लाइन, ये करना होगा। लोकेट द फाइनल अलाइनमेंट इनटू द ग्राउंड बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल लाइन, ओके। और एक चीज हम करेंगे वो है डिटेल सर्वे। इन डिटेल सर्वे बेंचमार्क एंड लेवलिंग वर्क आर यूज्ड फॉर ड्रेनेज एंड अर्थवा कैलकुलेशन। और एक चीज हम डील करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, और एक नया पॉइंट जो कि है यूटिलिटी यूनिट। हमने बोला था ना इसमें जो प्रिलिमिनरी सर्वे है, फाइनलाइज द अवेलेबल अलाइनमेंट दैट वी हैव इन द ऑफिस,
that we have means finalize best available alignment that we have comma in the apophis. कैसे हम वो फाइनलाइज कर पाएंगे, वो ही उसका ही एक सिस्टम है जो हम अभी हम डील करने वाले हैं. वो उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन सिस्टम और मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम इसे हम कहते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक यूटिलिटी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे और उसी यूटिलिटी वैल्यू के बेसिस में हम चूज़ करेंगे कौन सा अलाइनमेंट हमारे लिए बेस्ट होगा. मतलब सभी एस्पेक्ट से हम कैसे उसे यूज़ कर पाएंगे, कितना ज़्यादा लोग वो अलाइनमेंट को यूज़ कर पाएगा. ठीक है, ये सब कुछ चीज़ उसमें हम डील एनालाइज करेंगे. उसके अंदर क्या क्या है आप एक बार देख लेते हैं. उसके अंदर एक है यूटिलिटी यूनिट्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ ऑफ ए सर्टेन अलाइनमेंट. ओके, इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन यूनिट प्लस पॉपुलेशन यूनिट प्लस प्रोडक्टिविटी यूनिट पॉपुलेशन यूनिट्स एंड प्रोडक्टिविटी यूनिट्स टोटल लेंथ ऑफ रूट वो अलाइनमेंट का. ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि पॉपुलेशन यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, वेयर पॉपुलेशन यूनिट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीपल इन ए रेंज ऑफ पॉपुलेशन इन ए रेंज ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है, 500 to 1000 पीपल का एक पॉइंट आपको दिया गया है. ठीक है, तो 500 and 1000 पीपल के अंदर कितने पीपल जा रहे हैं ये आपको जानना पड़ेगा. ये इनटू सुइटेबल यूटिलिटी वैल्यू. अब यूटिलिटी वैल्यू कैसे लिया जाए, एज लो एज 0.5 फॉर स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन रेंज, मतलब जितना भी रेंज ऐसे ही आपके पास दिया रहेगा 500 to 1000, 1000 to 2000, 2000 to 5000, 5000 to 6000 ऐसा बहुत सारा रेंज दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर. जो सबसे छोटा रेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे अगर 500 to 100 अगर छोटा रेंज है तो उसका यूटिलिटी सुइटेबल यूटिलिटी वैल्यू होगा 0.5 फॉर स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन. इसीलिए हमने लिखा कि एज लो एज 0.5 फॉर स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन रेंज एंड देयर आफ्टर मल्टीपल ऑफ टू. मतलब अगर 500 to 1000 के अंदर अगर यूटिलिटी वैल्यू हमने 0.5 लिया तो 1000 to 2000 के अंदर 0.5 into 2 दैट मीन्स 1 होगा. ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 500 to 1000 के लिए अगर हमने यूटिलिटी वैल्यू 0.5 सोचा तो 1000 से 2000 के बीच में जो भी पॉपुलेशन होगा उसका यूटिलिटी वैल्यू हम 0.5 into 2 यानी कि 1 मान लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉपुलेशन यूनिट. और एक है हमारे पास, वो है
प्रोडक्टिविटी यूनिट, ठीक है, प्रोडक्टिविटी यूनिट। तो इसके अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल कोई सा भी हो सकता है, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इनटू सुटेबल, नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इनटू सुटेबल यूटिलिटी वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू। जनरली यहाँ पे जो यूटिलिटी वैल्यू लिया जाता है वो है वन फॉर ईच प्रोडक्ट, टेक यूटिलिटी वैल्यू ऑफ वन फॉर ईच नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, अब जितने भी पढ़ा हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, तुरंत से, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। हमने क्या क्या जाना, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड पैटर्न्स, इसके अंदर पांच रोड पैटर्न्स के बारे में हमने डील किया, रेक्टेंगुलर रोड पैटर्न, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ठीक है, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न एंड हेक्सागुलर पैटर्न। इसके अंदर जो ये वाला पैटर्न है यही हमारा नागपुर रोड प्लान के अंदर फॉलो किया गया, ठीक है। उसके बाद हम इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आ जाते हैं, मैप स्टडी, मैप स्टडी के अंदर क्या क्या चीज़ हम डील करेंगे, पॉन्ड्स, लेक, वैलीज एक्सेट्रा जो भी है उसमें अवेलेबल, वो हम मैप के अंदर मार्क करेंगे कि उस कंसर्न एरिया में जिस जगह के लिए हम हाईवे कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे पॉन्ड्स, लेक, वैलीज कुछ है कि या नहीं है। अगर होगा तो उसको अगर हम बाईपास करके आगे जाएंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अगर रो ऑफ हिल्स रहेगा वहाँ पे, एक के बाद एक रो ऑफ हिल्स, एक के बाद एक हिल्स आते जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको बाईपास करके साइड से वो अलाइनमेंट को घुमा के ले जाए, ठीक है। और अवॉइड बेंड ऑफ द रिवर फॉर ब्रिजेस, बेंड ऑफ द रिवर फॉर ब्रिजेस, क्योंकि वो बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं जब हम बेंड में एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, उस पानी का वहाँ जो पानी बह रहा है उसका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उसी वजह से हम वो बेंड जो रिवर बेंड है उसको ब्रिजेस के लिए रिकमेंड नहीं करते। रिकमेंडेशन सर्वे के अंदर क्या है, जो भी पॉन्ड्स, लेक, वैलीज एक्सेट्रा जो भी हमने मैप स्टडी में कोशिश किया था पहचानने के लिए, वो अगर पहचान में ना आए तो वो हम प्रैक्टिकली उस साइट को विजिट करके हम देख लेते हैं, जो भी मैप स्टडी में नहीं है वो पहचान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइप ऑफ नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर, कितना क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर वहाँ पे है, मैक्सिमम फ्लड लेवल, नेचुरल ग्राउंड वाटर टेबल, टाइप ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब कुछ हम रिकमेंडेशन सर्विस के अंदर कंप्लीट कर देते हैं। प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर जो आते हैं, जितने भी हमने अलाइनमेंट अभी तक सोचा, एक दो तीन जो भी अलाइनमेंट हमने अभी तक सोचा, उसमें से जो बेस्ट अलाइनमेंट है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर, ठीक है। वो डिफरेंट एस्पेक्ट, वो ही एस्पेक्ट हमने लास्ट में अंत में डिस्कस किया जो कि यूटिलिटी यूनिट की बेस में फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है। एवं एंड फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे के अंदर क्या है, लोकेट द फाइनल अलाइनमेंट इनटू द ग्राउंड बाय एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल लाइन। जो भी हमने फाइनल प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर फाइनलाइज किया था वो अलाइनमेंट को, उसी को हम सेंट्रल लाइन के जरिए एक्चुअल ग्राउंड में लोकेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डिटेल सर्वे, डिटेल सर्वे के अंदर क्या करते हैं हम, बेंचमार्क, लेवलिंग वर्क, ये सब कुछ कर, डंपी लेवल वगैरह जो भी है वो हम यूज़ करते हैं, और वो ड्रेनेज और आर्थवर्क कैलकुलेशन के लिए भी काम, मतलब काम लगभग शुरू हो चुका है उस समय में, ठीक है। और कंसेप्ट ऑफ सैचुरेशन सिस्टम, मैक्सिमम यूटिलिटी सिस्टम, ये जो भी है वो फाइनलाइज द अलाइनमेंट इनटू द ऑफिस, जो ऑफिस के अंदर जो फाइनलाइज कर रहे थे हम प्रिलिमिनरी सर्वे के अंदर, उसी का एक कैलकुलेशन पार्ट है। उसके अंदर क्या करते हैं हम, ये हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है, इसे हम बॉक्स के अंदर रख लेते हैं, ये हमारा मेन फार्मूला, ठीक है, ये है हमारा मेन फार्मूला, यूटिलिटी यूनिट्स पर यूनिट लेंथ इक्वल्स टू पॉपुलेशन यूनिट बाय प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्टिविटी यूनिट बाय टोटल लेंथ ऑफ द रोड, ओके। पॉपुलेशन यूनिट मतलब नंबर ऑफ पीपल इन ए रेंज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हो सकता है कि 500 से 1000 का एक पॉपुलेशन रेंज है, उसके अंदर 10 पीपल है,
ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए 10, ओके। सुइटेबल यूटिलिटी वैल्यू, सुइटेबल यूटिलिटी वैल्यू के वैल्यू के लिए भी एक ट्रिक है, ताकि हमारा जो मैथ प्रॉब्लम हम सॉल्यूशन करने जा रहे थे वो इजी हो जाएगा। एज लो एज 0.5 फॉर स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन रेंज, यानी कि अगर इसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन रेंज अगर हम मान ले, तो इसके लिए हम पॉपुलेशन सुइटेबल यूटिलिटी वैल्यू रखेंगे 0.5। और इसके बाद अगर 1000 to 2000 रहेगा, तो उसका यूटिलिटी वैल्यू 2 के मल्टीपल के हिसाब से बढ़ता चला, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे अगर 2000 to 3000 का एक पॉपुलेशन रेंज दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 into 2, दैट मीन्स यूटिलिटी वैल्यू शुड बी 2 एट दैट टाइम, ओके। एंड देन प्रोडक्टिविटी यूनिट, प्रोडक्टिविटी यूनिट के अंदर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इनटू सुइटेबल यूटिलिटी वैल्यू। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि जो अलाइनमेंट आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे अगर बहुत सारा इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चरल इनपुट है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल से कुछ मुनाफा हो सकता है उस पर्टिकुलर लोकेलिटी का, तो कितना उसका उत्पादन कितना है, वो यूनिट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा इनटू सुइटेबल यूटिलिटी वैल्यू। जनरली हम इसके लिए सुइटेबल यूटिलिटी वैल्यू एक कंसिडर करते हैं ईच नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद आप जो डिफरेंट अलाइनमेंट को चूज़ कर रहे हो, उसका जो टोटल लेंथ है उसके उसी से इसे डिवाइड कर दो। मान लो कि ये एक अलाइनमेंट के लिए वैल्यू आ गया 10, दूसरे अलाइनमेंट के लिए 12, तीसरे अलाइनमेंट के लिए 14, ऐसे ऐसे 4 अलाइनमेंट आपके पास है। जो ज़्यादा होगा, मतलब उसका वो अलाइनमेंट ज़्यादा, हम उसी अलाइनमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उसका यूटिलिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मतलब उसे हम ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। प्राइस टू परफॉर्मेंस माने मतलब ये होता है कि जितना रुपया हम उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में यूज़ कर रहे हैं, उससे मैक्सिमम बेनिफिट हम ले आ सकते हैं, इसी वजह से यूटिलिटी यूनिट को हम कंसिडर कर रहे हैं। उम्मीद रखते हैं आप सबको अच्छा लगा, कुछ बेनिफिट भी हुआ इस लेक्चर से। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।